नमस्कार, कैसे हैं आप? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बवाल और लगातार अडानी पर कुछ चारों तरफ से घेरने में क्या कोई कॉरपोरेट वार था? राहुल गांधी लगातार अंबानी के नाम के साथ अडानी का जब नाम लेते थे तो मुख्य रूप से हमलावर अडानी पर ही क्यों होते थे? हाल के दिनों में एकाएक अंबानी का कांग्रेस के साथ विशेष स्नेह के क्या मायने हैं? मुकेश अंबानी दिल्ली आए, राहुल गांधी के साथ एक घंटे तक उनके घर में अपने बेटे के शादी का कार्ड देने में मान मनोबल करते रहे। सोनिया गांधी के घर 10 जनपद भी गए, माँ बेटे दोनों के यहाँ अलग अलग एक एक घंटे। लेकिन किसी और के पास अंबानी कब गए इसकी जानकारी कभी मीडिया को नहीं मिली। माना जा रहा है कि भारत के इतिहास में ऐसी भव्य शादी कभी नहीं हुई, दुनिया में भी ऐसी शादी का मिसाल बहुत कम मिलता है। लेकिन इस शादी में जिस नरेंद्र मोदी के लिए अंबानी को जोड़ा जाता था, टीम मोदी के सदस्यों के अपेक्षा विपक्ष के लोग ज्यादा दिखाई दिए। भले कांग्रेस के अध्यक्ष दिखाई नहीं दिए, सोनिया गांधी नहीं दिखी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनके तमाम सिपह सालार थे, अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के सलमान खुर्शीद तक, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, इंडी गैंग से अखिलेश यादव पूरे परिवार के कुनबे के साथ, लालू यादव अपने तमाम बच्चों के साथ। लेकिन एनडीए से ना चंद्रबाबू नायडू दिखाई दिए और ना ही नीतीश कुमार दिखाई दिए। तो सवाल कई सारे उठने लगे हैं कि क्या ये कॉरपोरेट वार के बदले दौर में अंबानी अब कांग्रेस के साथ कोई नई सेटिंग में थे, तो क्या इसीलिए दूसरी तरफ अब मैदान में जो आपको दिखाई दे रहा है कि एकाएक टाटा के साथ बीएसएनएल का प्रभाव है। हाल के दिनों में देखा गया किस तरह से अंबानी के जियो ने अपने पैसे बढ़ाए हैं, तो क्या मोदी ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत भरोसे का नाम जो टाटा है उसके साथ उतारा है बीएसएनएल को? इस पूरे बात को समझते हैं सतीश जी के साथ। लेकिन इन सब पे अब ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ये खेल हुआ है, आप लगातार इशारा कर रहे हैं कि बदले दौर में वैसे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, क्या सचमुच अडानी के बढ़ते कद के कारण बौखलाए अंबानी कोई ऐसा खेल कर रहे हैं और मोदी उस पर हंटर चला रहे हैं? एकाएक बीएसएनएल का जो कद लगातार बढ़ रहा है, मैं अपनी सोसाइटी के बाहर देख रहा हूँ बड़े पैमाने पे बीएसएनएल के जो स्टाफ हैं वो एकाएक ये दिख रहा है कि बीएसएनएल फैल रहा है जो दब गया था। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं मोदी अब दूसरे रूप में हंटर चलाना शुरू कर चुके हैं क्या? देखिये मनीष जी, आपको ध्यान होगा या दर्शक हम लोग के जो नियमित है, ये पिछले साल फरवरी में जिस समय अडानी हिंडनबर्ग वाला आया था जिसमें पाड़ा नाचा था और सनसनीबाज नाचा था, तो उसमें सारी बातें होने बाद मैंने कहा था कहीं मनीष जी ये कारपोरेट वार भी है और उस कारपोरेट वार से अडानी का कोई नुकसान नहीं हुआ, 2-4-6 महीने रुके, लेकिन देश का बड़ा नुकसान हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था को एक झटका लगा था जो नहीं लगना चाहिए था। वो आपस की लड़ाई थी कारपोरेट वार, तो मेरा इशारा इसी तरफ था। अब बड़ा खुलकर आ गया है और जो देश में हाहाकार मचने वाली बात है, दर्शक जरा पहले संपूर्ण मान लीजिए, अभी दिखाइएगा, पहले पल में बता दूं कि चुनाव खत्म होते ही 25% डाटा के दाम बढ़ा, एकदम से 25% बढ़ गए, कभी इस तरह से नहीं होता और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। एयरटेल ने भी बढ़ा दिया, जियो ने भी बढ़ा दिया, ये हाहाकार मच रहा था। और जो मैंने उस दिन मैंने कहा था कि मैं जब बताऊंगा कि ये कैसे कमर तोड़ने की थी, कि वो जो आज की तारीख में ठेले वाला, कुंचे वाला, रिक्शे वाला, जो पान वाला, ये सब अपने यहाँ रखे हुए हैं डिजिटल इंडिया वाला, जो डिजिटल पेमेंट का, उनको वो इसको छोड़ के भाग जाए, 25% दाम बढ़ा तो वो कहीं छोड़ो, तो उसको एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की ये पूरी सुनियोजित साजिश थी कि दोनों ने मिलकर पढ़ाया था। और उससे पहले माँ बेटे का एक घंटा बैठ के मनीष जी निमंत्रण दिया, 1 घंटा, और उसके बाद वो माँ बेटा आए नहीं, मतलब आए तो छोड़िए, कोई बधाई का दो शब्द भी उन्होंने ट्विटर पर नहीं लिखे, तो वो निमंत्रण देने नहीं गए थे। तो पहले से पता था कि तुम लोग ना आना, तुम लोग बड़ी काली बकते हो, तो फिर उसके बाद बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी, अपने दूध चाकर भेज देना।
तुम्हारा ये जो कांग्रेसाचार है इसका मैं महिमा मंडन कर दूंगा पूरी दुनिया के सामने कि देखो शंकराचार्य आया, ये फर्जी वहां भी पहुंच गया, तो ये बड़ा खेल था। लेकिन मनीष जी मैं प्रधानमंत्री मोदी को मान गया, जब जहां प्रशंसा होती है तो कायल हो जाते हैं कि वो साल डेढ़ साल पहले उनको उन्होंने इसको भाप लिया था, और जो पलट के वार किया है दर्शक समझने आप लोग की तबीयत हरी हो जाएगी। ये जितने बड़े एशिया के बहुत बड़े और दुनिया के बहुत बड़े, इनके हाथ के तोते उड़े हुए हैं आज की तारीख में। अब दिखाइए मनीष की खबर कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तैयारी, इनके ये अचानक ही सबका ये सारे प्रपंच अचानक नहीं होते हैं, ये मोदी ने साल भर पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और उस तैयारी का अब जो परिणाम आया तो अब इनके तोते उड़े हुए हैं। खबर दिखाइए मनीष जी, उसके बाद दर्शकों को भी मजा आएगी कि हाँ प्रधानमंत्री हमारे ऐसा ही होना चाहिए जो आगे की देख के करता है। पहले आपकी टिप्पणी से ही शुरू करते हैं जी, आप खुद ही पढ़ लीजिए। हाँ, मोदी आने वाली मुसीबत को बहुत पहले पहचान लेते हैं और मुसीबत के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। माँ बेटे को एक घंटा लगाकर निमंत्रण देने और माँ बेटा का गायब रहना सब पूर्व नियोजित था। चुनाव के बाद इंटरनेट डाटा का दाम अचानक 25% बढ़ा देना अनायास नहीं था, लेकिन मोदी इस हमले से निपटने की तैयारी पहले से कर चुके हैं। अब होने जा रहे मोदी के प्रचंड पलटवार से हमलावरों के हाथ के तोते उड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने प्रतीक्षा करिए, खेल का मजा बहुत बढ़ने वाला है। अब दिखाइए जी, ये टाटा संघ बीएसएनएल की एंट्री जो हो रही है, टाटा मतलब भरोसा, जो हम तौर पे कहते हैं ना कि टाटा का मतलब है भरोसा। यदि टाटा नाम हेडिंग में मनी सब कुछ हेडिंग दिखा दीजिए, वो हेडिंग में कहानी तो जितनी मैं बताऊंगा उससे पहले तो कहानी हेडिंग बड़ा कर दिखा दीजिए कि टाटा बीएसएनएल की टीम में जियो एयरटेल का कटेगा पत्ता, कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। तो ये और ये अभी जो बीएसएनएल ने अपना टैरिफ डिक्लेयर जारी किया है 4G का, 4G कनेक्शन का, वो इनका आधा है। ये 3,000 ले रहे हैं तो 1500-1600 में बीएसएनएल दे रहा है 4G का, और ये टाटा ने इसमें खाली ऐसे नहीं हाथ मिला लिया, टाटा ने इसमें 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। जरा अगली बगल वाला दिखा दीजिए मनीष जी, और कि ये और अब तो ये अंतिम चरण में वो तो काम शुरू हो चुका, अब ये बीएसएनएल ने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। मैंने करीब खबरों की हेडिंग ही लगाई है अपनी कि टीसीएस सेटिंग अप 4 लार्ज बीएसएनएल डाटा सेंटर्स इन ₹15,000 करोड़ 4G डील। टीसीएस 15,000 करोड़, और ये पुरानी खबर है TCS 2 billion deal with BSNL to launch 4G, और नीचे आ जाइए मनीष जी कि BSNL internet will now be even faster, the company has partnered। तो ये गजब BSNL का कमाल होने जा रहा है, और आप याद करिए BSNL को लेकर सबसे ज्यादा ये लोग करियाते थे, BSNL kicks off 4G roll out in Chennai, eyes against launch। चेन्नई में तमिलनाडु में ये शुरू हो चुका है, और अगस्त खत्म होते होते पूरे देश में BSNL 4G सर्विसेज देगा। और ये जो अभी मनीष जी ने एक सेंटेंस कहा उस सेंटेंस का सबसे ज्यादा महत्व है कि टाटा नाम है विश्वास का, टाटा नाम है क्वालिटी का, उसमें कोई आदमी शंका नहीं करता। और टाटा ने 15,000 करोड़ रुपए लगा दिया, और टाटा आगे, और इसमें मैं उसकी कटिंग लगाना भूल गया हूँ कि इसके ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो टेक्निक BSNL की इस्तेमाल होने जा रही है उसके लिए 1 साल पहले टाटा ने नोकिया से वो समझौता कर लिया है, और वो जो टेक्निक है वो इनके 5G की है और आगे की है, और उस पे काम शुरू हो गया। तो वो इनका जो सर्विसेज ये दे रहे हैं उससे वो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि नोकिया से बेहतर दुनिया में कोई नहीं देता, और टाटा ने उससे 1 साल पहले एग्रीमेंट टाटा का हो चुका है। तो ये तैयारी अचानक BSNL प्रकट हो रहा है, ये अचानक नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने इसकी रचना 1-1.5 साल पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको आवाज हो गया था कि ये जो बड़ा भोड़ा प्रदर्शन आपने देखा है, ये भोड़ा प्रदर्शन इसके पीछे कितनी भोड़ी साजिश है, कितनी भोड़ी राजनीति है, और कितने भोड़े लोग उसमें लगे हुए हैं, ये उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं। उनके पास सुपर कॉप बैठा है जिसका नाम है अजीत डोवल, तो एक एक पत्ते की खबर रहती, खाली आतंकवादी वाला मामला नहीं, वो फिर वो एक अलग बहस हो जाएगी, अलग डिटेल जाएगा, किस दिन करेंगे हम लोग। तो अब जब BSNL ने फैलाना शुरू किया, मनीष जी मैं अपने जानने वालों में देख रहा हूँ एक जैसे होड़ लगी हुई है कि पोर्ट कराओ, जियो से पोर्ट कराओ, एयरटेल से पोर्ट कराओ, क्योंकि जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फर्क है ये।
उनके लिए बहुत बड़ा फर्क है। अभी ठीक से लॉन्च हो जाएगा, 2 महीने लगेंगे, तो मुझको लगता है कि इनके आधे कस्टमर खींच के ले जाएगा बीएसएनएल, नाम ले जाएगा टाटा का। बिल्कुल, मैं भी खुद देखता हूँ कि जो लड़के होते हैं ना, जो मार्केटिंग वाले लड़के, वो बड़े पैमाने पर हमारे सोसाइटी के आसपास अलग अलग सोसाइटियों पे वो दिखाई देते, एकाएक बीएसएनएल वाले दिखाई देने लगे। बीएसएनएल में पोर्ट कराइए, आप अपने यहाँ इंटरनेट बीएसएनएल का लगाइए, तो ये दिख रहा है कि एकाएक की चीजें कैसी, उसका मतलब इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर हुआ। न मनीष जी, मैं बता दूं कि फिजिकल और टेक्निकल जितने एसेट बीएसएनएल के पास हैं या थे, जो थे वही आज भी हैं, उसके आधे नहीं है इन लोगों के पास। आधा तो काम इनका बीएसएनएल के भरोसे चलता है। केवल एक ही चीज जो बीएसएनएल मार खाता था कि वो जो वहां पे मतलब हरामखोरी कह लीजिए, भ्रष्टाचार कह लीजिए, लापरवाही कह लीजिए, सरकारी नौकरी में जैसे तंत्र होता है कि भाई भगवान भरोसे चल रहा है, चल रहा है, इतना बड़ा संस्थान है तो चलेगा ही चलेगा, इस तरह से जो चल रहा था, उस कमी को दूर टाटा कर देगी, क्योंकि मैनेजमेंट टाटा के पास होगा। अब टाटा जो बिल्कुल 15,000 करोड़ रुपए लगा रहा, तो बाकी कर्मचारी तो वही रहेंगे, वही एसेट रहेंगे, तो एसेट के मामले में कहीं बीएसएनएल को अलग से कुछ नहीं करना। और टाटा का बड़ा सपना रहा है, आप याद करिए, टाटा के जैसे दिल में चोट लगी हुई है कि वो जो 2G घोटाला हुआ था, उसमें कैसे टाटा के मुंह से डील छीन ली गई थी, बाद में टाटा को पैसा देके लेना पड़ा था स्पेक्ट्रम। तो टाटा अब इन लोगों को दिखाएंगे कि कैसे होता है। ये बड़ी अच्छी खबर है, देश हित में भी है, जनहित में भी है, और दलालों के लिए बड़ा बुरा समय आने वाला है। बिल्कुल, और 2G की आपने बेहतरीन याद दिलाई कि कैसे खेल हुआ था टाटा के साथ। और सचमुच दिल्ली में जब शुरुआत हुआ था तो हम लोग MTNL यूज करते थे, जैसे BSNL दूसरे जगह यूज होता है, दिल्ली में MTNL चलता था। एकाएक नकारेपन के कारण MTNL ध्वस्त हुई, और सरकार की जो उस समय की जो सरकार थी उसकी अकर्मण्यता के कारण। और यदि ये चीजें अब टाटा का BSNL का जो के साथ जो जुड़ना है, मतलब इसमें टाटा का जो नाम है असल वही काम करेगा, और तब ये समझ में आएगा कि मैं तो दूर मनीष से। जी, मैं तो दर्शकों से भी अपील करूंगा कि आपके जितने जानने वाले हो, आपके यहाँ भी पहुंचा कि नहीं, मेरे महीने 2 महीने लगेंगे, पूरा अगस्त तक पूरा इनका है कि अगस्त में पूरा रोल आउट हो जाएगा पूरे इंडिया में। इन लोगों को प्रेरित करिए कि तुमको पैसा आधे पैसे में दे रहा है बीएसएनएल, और इनसे बेहतर सर्विस, और 5G 5G 4G, 4G अभी तक हम लोग कर रहे थे। हमारा कोई बड़ा ऐसा टेक्निकल काम नहीं है, कोई बड़ा क्या कहूँ, 5G की मुझे कोई बड़ी जरूरत नहीं महसूस हुई। केवल यही है कि उसमें जरा 2 मिनट में डाउनलोड होता है वीडियो, तो इसमें 1 मिनट में हो जाता है 5G में, इतना ही फर्क है काम चलाने के लिए। वो बहुत बढ़िया 4G। बिल्कुल, और इसीलिए और धीरे धीरे उसका भी तो अपना 5G में प्रोग्रेस होगा ही होगा, ऐसी नहीं बात है नहीं कि वो तो मैंने मनीष जी बताया कि वो तो नोकिया से 6G वाला उन्होंने तार जो है वो उनकी डील हो चुकी 1 साल पहले। भाई टाटा जब इसको करेगा तो ग्रैंड स्केल पे करेगा, बड़े स्केल पे इनके सबके हिल जाएंगे, और टाटा कहीं पैसे से इनसे मुर्दार नहीं है। मतलब आप बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि अंबानी के यहाँ जो राहुल गांधी और माँ बेटे का नहीं जाना हुआ, उसके पीछे का खेल ये अभी मुक्तेश्वरानंद के माध्यम से कराया गया, हाँ, और ये एजेंडा नहीं, ऐसा। नहीं कराया गया, और उसका नहीं जाना किस तरह से दलाल सब जुटे हुए कि देखो राहुल नहीं गया, फलाना नहीं गया, उसका महिमा मंडन करने के लिए गया, और ये जाके 1 घंटा इन्होंने निमंत्रण बांटा। तो वो 1 घंटा मतलब प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने गए थे कि कब 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 खबर आई बनी, कहीं किसी ने पढ़ी कि प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने गए थे, या राजनाथ सिंह को निमंत्रण देने गए थे, या योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण देने गए थे, कहीं आपने खबर आई आज नहीं, और किसी बिना तरफ से? बिना निमंत्रण जब तक देने नहीं गए होंगे तो गए नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं, खबर गोल है। ये इसीलिए खबर कहते हैं, गोल इसी इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। अब ये तय खबर सी गोल बात है, थी प्रधानमंत्री बिना निमंत्रण के तो गए नहीं होंगे, राजनाथ नहीं सिंह के नहीं पूरे मंत्रिमंडल को जो निमंत्रण था, बिना निमंत्रण के तो गए नहीं होंगे, लेकिन नहीं निमंत्रण देने सोनिया और राहुल को गए अंबानी ये बड़ी सिंह, खबर यही थी, खबर बनी, और किसी के ये यहाँ खबर निमंत्रण थी। देने कोई खबर नहीं बनी। हाँ, ये कोई खबर नहीं बनी, मतलब प्रदेश के प्रधानमंत्री के यहाँ निमंत्रण देने गए, कितनी देर रुके, क्या रुके, गए कि नहीं गए, वो कोई खबर नहीं। सोनिया के राहुल के यहाँ 1-1 घंटा बैठे, ये खबर थी। तो ये बड़ा प्लांटेड था इस फर्जी कांग्रेसाचार्य उमा शंकर को, क्योंकि दुनिया के सामने लॉन्च महिमामंडित करना। उमा शंकर नाम है इसका, भाई प्रताप भड़क, यहाँ प्रताप भड़क कहाँ भाग गया था, कक्षा 5 पढ़ने के बाद पता नहीं कहाँ गायब रहा, उसके बाद अचानक प्रकट हुआ बनारस में, अब इसके करतूतें सामने आ रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट से जाके पहले बात करें, और हिंदू का अखाड़ों से बात करें, जो हिंदू धर्म का अखाड़े 1,000 साल का जिनका इतिहास। इसीलिए इस खेल को समझना जरूरी है, जो चीजें दिखाई देती है
उसके पीछे का, किसी लोग खबरों के पीछे की खबर नहीं, खबरों के पीछे के रहस्य को समझाने की कोशिश करते हैं इस इकोसिस्टम के षड्यंत्र को। कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग। अपनी SIP करके कहें कि ISP के मोमिन तो बीजेपी को वोट नहीं देते, तो मोदी को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? पर्सनल लॉ वोट को जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो, तो टेंशन तो नहीं ले रहे हैं। वो तो चुनाव में भी नहीं ले रहे थे, खेल कुछ परसेंट वोट का हुआ और वो खेल अपनों का हुआ। हम लोग अक्सर कहते हैं अखिलेश यादव, सोचिए अखिलेश यादव और ने लगातार, जब से अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टियां ही गर्त में गए, लेकिन अब की बार वो अपने पिता के दौर से भी बेहतर प्रदर्शन कर लिया था। ऐसा क्या क्रांति कर गए? तो ये जीत अखिलेश भी जानते हैं कि जीत उनकी नहीं है, ये इनकी आपस की जो काट है उसकी वजह से है, और यदि उसको सुधार लेते हैं योगी तो फिर दरबारी जी के, मनीष जी और सतीश जी, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए कि अन्यथा या खैराती ऐसे ही भ्रम जाल बनाए रखेंगे। नहीं, ये जो अभी BSNL वाला मैंने आपको प्रकरण बताया, बहुत गंभीर मामला है। इससे लग रहा है कि मोदी का इंतजाम बड़ा परमानेंट करने जा रहे हैं, सबका बड़ा परमानेंट इंतजाम करने जा रहे हैं, और ये बड़ी शुरुआत होगी BSNL से। और अभी आप देखिएगा मनीष जी, जैसे अभी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के लिए आया, BSNL के लिए अजीबोगरीब आपको स्टोरियां सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, ऐसा पूरा नैरेटिव शुरू किया जाएगा BSNL और टाटा के खिलाफ, अब कुछ दिनों में ये नैरेटिव शुरू हो जाएगा। आगे आगे देखते रहिए, बिल्कुल ये नैरेटिव अब शुरू होना है कि पूरा षड्यंत्र इकोसिस्टम अब शुरू करना शुरू कर देगा, तब समझ में आएगा कि कायक ये अडानी और अंबानी से अब टाटा की तरफ ये क्यों और BSNL की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इस कॉर्पोरेट वार में बहुत कुछ सामने आ रहा, क्या नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये खेल क्या हो रहा है? मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेसाचार्य बने हुए लोगों को भी मैदान में उतारा गया और उन संतों ने मैदान में उतर के ही नहीं, उनने इस शादी के भोज खाने के बाद जो सोकॉल शंकराचार्य है वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे और उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके उन्होंने यह कह दिया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। कभी कोई शंकराचार्य इस तरह से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मारता। तो क्या अंबानी ने जानबूझ करके ऐसे शंकराचार्यों को मैदान में उतारा, प्रधानमंत्री मोदी के सामने को इन शंकराचार्यों के पास वो ले गए? ये खेल सचमुच अब खतरनाक लगता है। तो क्या मोदी इसको पहले से ही इसको जज कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले से टाटा के साथ BSNL को उतार करके अंबानी के इस खेल को रोकने की कोशिश की है? और दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि नायडू तेल भंडार के नाम पे, जो तेल पर जो उनका एक छत्र अधिकार है उस पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। इस तैयारी से लगता है कि सचमुच मोदी दूर का सोच रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि मान गए मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे कैसे नेशन के लिए सोच रहे होते हैं, और इसके तार पॉलिटिकली यदि कोई षड्यंत्र हो रहा उसे मारने का। ये पूरा मामला, इस शादी ने बहुत सारी चीजों को बेनकाब किया है। इस देश में राजनीतिक षड्यंत्र जो है अडानी अंबानी के पॉकेट में है मोदी, उस षड्यंत्र को, उस छलावे को इस शादी ने एक तरह से तोड़ कर रख दिया है, और नरेंद्र मोदी ने इस कॉर्पोरेट मारवार में भारत के क्षति को क्षतिग्रस्त करने के षड्यंत्र की भी तोड़ निकाल ली है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।